अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, मैं हूं मीना शाह और आप देख रहे हैं फ़ोन वर्ल्ड। आज मैं बात करूंगी अपकमिंग स्मार्टफोन्स इन जनवरी 2021। आपको पता है कि 2021 स्टार्ट हो चुका है। 2020 में आपको बहुत ज़्यादा इनोवेशन्स मिली, स्मार्टफोन इंडस्ट्री काफ़ी एक्टिव रही, बजट फ़ोन में आपको बहुत सारे फ़ोन्स मिले। कुछ फ़ोन्स ऐसे थे जिससे हम सेटिस्फाई थे, लाइक प्राइस वाइज मैं बात कर रही हूँ, जैसे कि प्राइस बहुत ज़्यादा मैटर करती है, और कुछ ऐसे थे कि जो कि जिससे बहुत सारे लोग खुश नहीं थे। तो अब देखना यह है कि जनवरी 2021 में कौन कौन से फ़ोन्स आ रहे हैं। वैसे मैंने जितनी रिसर्च की है तो फ्लैगशिप फ़ोन्स भी काफ़ी सारे आ रहे हैं और हर ब्रांड की तरफ से फ़ोन लॉन्च होते हुए नज़र आ रहे हैं 2021 में। कुछ जो है वो कंफर्म है, लेकिन कुछ में जो है वो कन्फ्यूजन है कि वो लॉन्च होंगे या नहीं। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सैमसंग के फ्लैगशिप डिवाइस से, जो कि है सैमसंग गैलेक्सी S21। और ये 2021 का पहला स्मार्टफोन है जो कि सैमसंग का फ्लैगशिप है, और 14 जनवरी के ग्लोबली ये लॉन्च हो रहा है। आप सबको पता ही होगा, तो इनकी ये सीरीज़ लॉन्च हो रही है। इसके साथ सैमसंग की एक और आपको ए सीरीज़ जो बजट सीरीज़ है, हम उसका आपको फर्स्ट इंप्रेशन दे चुके हैं। उसके वो जो दो फोन हैं, वो जो दो मॉडल्स हैं, सैमसंग गैलेक्सी A12 और A02s, ये पाकिस्तानी मार्केट में आपको जनवरी में ही मिल जाएगा। इसका फर्स्ट इंप्रेशन अगर आपने नहीं देखा तो मैं आपके साथ लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर लूंगी। इसके अलावा सैमसंग गैलेक्सी A52 और A72 भी एक्सपेक्टेड है कि जनवरी के मिड में और या एंडिंग में लॉन्च होगा। लाइक A52 मिड में लॉन्च हो सकता है और A72 जो है वो आपको एंड ऑफ जन जो है वो मिल सकता है। तो सैमसंग A52 में आपको मिलेगी जो चिपसेट क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 720G की चिपसेट मिल सकती है। वैसे ये दोनों डिवाइसेस मेरी काफ़ी फेवरेट है, क्योंकि सैमसंग की ये वाली जो सीरीज़ है A51, A50, A52 मुझे बहुत पसंद है। इसमें आपको अमोलेड भी दिया गया है, कैमरा पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छी है, चार्जिंग टेक्नोलॉजी भी इसमें अच्छी दी गई है। तो ये तीन डिवाइसेस तो कन्फर्म है, लाइक सैमसंग S21 की सीरीज़ और सैमसंग A12, A02s, लेकिन A52 और A72 का हम वेट करते हैं। यहाँ पर कुछ शाओमी के फ़ोन से रिलेटेड बात करते हैं, शाओमी Mi 11। तो Mi 11 की जो सीरीज़ है ये होपफुली कि आपको मिल जाए पाकिस्तान में और जनवरी में ही आपको मिल जाए। लेकिन इसकी जो खासियत है वो क्या है कि इसमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888 की चिपसेट मिल रही है और ये 5G वेरिएंट आएगा। तो शाओमी ने क्लेम किया था कि पहला फ़ोन होगा 2021 में जो कि 888 के साथ आएगा, वो हमारा फ़ोन हो सकता है। तो अब इंतज़ार करना है कि जन में आपको ये शाओमी का जो Mi 11 है ये मिलेगा या नहीं, इनकी फ्लैगशिप डिवाइस है। इसके अलावा रेडमी नोट 10 प्रो भी एक्सपेक्टेड है कि जनवरी में लॉन्च होगा, ये भी 5G होगा ये फ़ोन। तो यहाँ पर एक नई इनोवेशन हमको मिल रही है, लाइक 2021 जैसे स्टार्ट हुआ है तो ज़्यादा चांसेस है कि जनवरी के एंड तक ये पाकिस्तान में लॉन्च हो जाए। यहाँ पर ओप्पो रेनो 5 से रिलेटेड भी न्यूज़ है। ओप्पो रेनो 5 पाकिस्तान में लॉन्च हो रही है जनवरी में, लेकिन ये 4G वेरियंट होगा। लाइक आप लोगों में बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि हो सकता है कि 5G हो, लेकिन ऐसा नहीं है, ये 4G डिवाइस होगी। लेकिन यहाँ पर हमने प्राइस को ज़रूर देखना है, क्योंकि कहीं अगर ओवर प्राइस है तो फिर लोगों का जो आपको पता है कि लोग बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं प्राइस से रिलेटेड। तो इसकी प्राइस जो है वो मैं उम्मीद करती हूँ कि ओप्पो जो है वो इसकी अच्छी प्राइस टैग में इसको लॉन्च करे। तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जनवरी के मिड तक इस फ़ोन को लॉन्च किया जाएगा। तो यहाँ पर वीवो क्यों पीछे रहे, वीवो की तरफ से भी हम कुछ फ़ोन्स देख रहे हैं, कुछ बजट फ़ोन्स देख रहे हैं और एक फ्लैगशिप जिसका तो हम सभी वेट कर रहे हैं, बताते हैं आपको। तो वीवो के एंट्री लेवल फ़ोन में वीवो Y1S जो कि एक बजट फ़ोन है, एंट्री लेवल फ़ोन है, उस हिसाब से उसमें चिपसेट भी वैसी ही दी गई होगी और इसके साथ आपको बाकी स्पेसिफिकेशन भी उसी तरह दिए होंगे। 2GB ऑफ रैम, 32GB इसमें इंटरनल स्टोरेज आपको दिया गया है। मैं स्पेसिफिकेशन में इसलिए नहीं पढ़ रही क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, यहाँ पर सिर्फ आपको बताने का मकसद है कि अपकमिंग फ़ोन्स वो कौन से होने वाले हैं। हाँ, अगर इनमें से कोई बहुत ज़्यादा जो डिमांडिंग डिवाइस होगी हम उनकी अलग से डेडिकेटेड वीडियो तो बना सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिकेशन मैं यहाँ पर बता के टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। तो एक और फ़ोन है, एक तो आपको मिल गया बजट फ़ोन में वीवो Y1S और एक आपको मिलेगा वीवो Y12S जो कि बजट फ़ोन होगा और इसकी प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा होगी लाइक वो एंट्री लेवल। तो ये बजट फ़ोन और इसमें भी आपको MediaTek Helio P35 का चिपसेट मिल सकता है। इसमें दो वेरियंट्स आ सकते हैं, 3GB रैम, 4GB रैम, लेकिन स्टोरेज 32GB वाली आपको मिल सकती है। पता नहीं यहाँ पर स्टोरेज क्यों इतनी कम दी जा रही है, लेकिन अब देखना है कि इसको क्या रिस्पॉन्ड मिलता है। वैसे ये जो वीवो और ओप्पो और रियलमी ये बजट फ़ोन में बड़ा अच्छा खेल रहे हैं और कॉम्पिटिशन काफ़ी टफ है, बल्कि आपको इन्फिनिक्स और टेक्नो की तरफ से भी इस तरह के बहुत ज़्यादा जो है वो मिल रहे हैं। तो यहाँ पर प्राइस को ज़रा देखना है ब्रांड्स को, क्योंकि प्राइस के साथ खेलना जो है ना एक फ़न है। अगर आप प्राइस टैग अच्छी रखेंगे तो वो फ़ोन आपका हिट भी हो सकता है और कंज्यूमर्स की सबसे ज़्यादा
ज़्यादा डिमांड भी उस फ़ोन की होती है, तो प्राइस को ज़रा अच्छा ही रखिए। तो यहाँ पर वीवो का एक फ्लैगशिप फ़ोन है, आपको याद होगा कि वीवो X50 जो है वो पाकिस्तान में नहीं आया था, लेकिन चांसेस यहाँ पे नज़र आ रहे हैं कि वीवो X60 जो है वो पाकिस्तान में आ सकती है। आपको पता है कि ये जो X सीरीज़ है वीवो की 50 और 60 जो भी आ रही है, कैमरा पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी है, लाइक आउटस्टैंडिंग डिवाइस मैं इसको कह सकती हूँ। मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान में ये आए इस तरह की डिवाइसेस, तो भी कंपटीशन काफ़ी टफ हो सकता है, तो अभी चांसेस हैं, देखते हैं। अगर इससे रिलेटेड मुझे कोई और न्यूज़ पता चलती है तो मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो ये सारे ब्रांड्स हमने डिस्कस कर लिए, लेकिन अब टेक्नो और इन्फिनिक्स की तरफ से क्या न्यूज़ है हमारे पास। तो अभी जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो टेक्नो पोवा 2 एक्सपेक्टेड है कि आ जाए पाकिस्तान में जनवरी में। टेक्नो पोवा एक गेमिंग फ़ोन था, गेमिंग चिपसेट के साथ उसको लॉन्च किया गया था, बजट में रहते हुए एक अच्छा फ़ोन उन्होंने लॉन्च किया था, नो डाउट। लेकिन अब आपको टेक्नो पोवा 2 मिल सकता है, और इसके साथ इन्फिनिक्स की अगर मैं बात करूँ तो इन्फिनिक्स की तरफ से अभी तक कुछ ऐसा कन्फर्मेशन नहीं है कि उनकी तरफ से कोई डिवाइस जनवरी में लॉन्च होगी या नहीं। लेकिन आपको पता ही कि जनवरी फरवरी जब भी साल स्टार्ट होता है तो बहुत सारे फ़ोन्स आपको मिलते हैं कि लॉन्च हो ही जाते हैं, तो सारे ब्रांड्स इस वक्त मुझे एक्टिव नज़र आ रहे हैं। लेकिन आप इसे बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि 2021 में कुछ नई लेटेस्ट आपको टेक्नोलॉजी मिल सकती है, कुछ नई इनोवेशन मिल सकती है, तो ऐसा ज़रूरी भी नहीं है। हो सकता है हमें वही पुराने मॉडल्स जो हैं वो थोड़ी बहुत चेंजेस दोबारा से मिल जाए, तो ज़्यादा उम्मीदें मत लगाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।